देश में इन दिनों थाली काफी चर्चा में है। कोई भी टीवी चैनल ले लो, थाली ही थाली की चर्चा है। जिसे देखो वही थाली की बात कर रहा है। लेडीज एंकर ने इनको बड़ा अच्छी तरह से उठाया है। बात अगर सिर्फ थाली की हुई होती तो इतनी चर्चा नहीं होती। थाली में छेद करने की प्रवृत्ति से परेशानी बढ़ गई है। हर कोई इस बात से परेशान है कि आखिर इतनी मजबूत थाली, बॉलीवुड की थाली में छेद कैसे हो गए। जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, जया बच्चन जी क्वेश्चन कर रही है। ये सोचने और समझने की बात है। व्यक्ति कोई भी जो जिस थाली से खाता है उसमें छेद कभी नहीं करना चाहता। वो छेद तभी करेगा जब उसे लगेगा कि इस थाली में खाना अब सुरक्षित नहीं रह गया है, इसको खाया नहीं जा सकता। ये भी जरूरी नहीं कि जिस थाली में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग खाते आ रहे हैं उसमें आज के माहौल में छेद ना किया जाए। थाली कितनी भी पुरानी और मजबूत हो, लेकिन जब लगे कि थाली अब खाने लायक नहीं है तो उसमें छेद करना जरूरी है। और मैं उन बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्ट्रेस को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस इश्यू को उठाया। रोज नए नए छेद नजर आने लगे हैं। ये हिंदुस्तान को सफाई का टाइम है। इसको अगर हमने जगत गुरु बनाना है तो ये सारी जो समाज की कमियां हैं उनको आवाज देनी ही पड़ेगी। वो बहुत सारी जो वॉइसलेस आवाजें हैं, दबी पड़ी हैं, उनको आवाज देनी होगी। तभी तो हिंदुस्तान में विचारों में शुद्धता आएगी और हम गर्व से कह सकेंगे मेरा भारत महान।